हाय हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके बीएड के एक ऑप्शनल पेपर मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, राइट, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में अक्सर आपसे बीएड में सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आपका पहला यूनिट है उसमें एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा गया आपके मैथ में, वो क्या है भाई? मैथ के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड सवाल है, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मैथ हम किससे कहते हैं, कि मीनिंग ऑफ मैथ क्या होता है, अर्थ क्या होती है, ठीक है, अर्थ क्या होता है मैथ का, और मैथ का परिभाषा हम देखेंगे, ठीक है, मैथ क्या है इसकी परिभाषा जानेंगे, और इसकी प्रकृति जानेंगे, नेचर जानेंगे कि मैथ की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इससे सवाल पूछे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद कम्प्लीटली आपका ये पेपर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पहला सवाल यहां पे हम इसको समझने की कोशिश करें कि गणित का अर्थ क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होती है मैथ की, अगर हम जहाँ तक बात करें। देखिए, इसके अगर अर्थ की बात करें तो कई शब्दों में कई तरीके से इसके अर्थ को हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई मानता है कि गणित ना गणनाओं का विज्ञान है, मतलब कैलकुलेशंस का, नंबर्स का विज्ञान है। कोई इनको कहता है कि संख्याओं के स्थान, संख्याओं एवं स्थानों का विज्ञान है। इस तरीके से कोई कहता है कि ये गणित माप तौल है, गणित मात्रा एवं दिशा के बारे में विज्ञान है। तो इस तरीके से गणित को कई तरीके से कहा गया, लेकिन वास्तव में जो गणित शब्द है ना, तो वर्ड है कि हिंदी का जो वर्ड गणित है ना, ये गणना से लिया जाता है। कहाँ से? गणना से, कैलकुलेशन से। तो वास्तव में गणित का जो पहला कार्य, जो पहला अर्थ होता है, वो गणना से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई गणित के बारे में। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, गणित के शब्द को अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो एक्सप्लेन करेंगे कैसे। गणित का शाब्दिक अर्थ में क्या, कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, ठीक है, गणित मतलब गणना, ओके। इस तरह गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित जो है, मैथ जो है, अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी मदद से परिमाण, दिशा एवं स्थान का बोध होता है, ठीक है। ये हो गई बात। गणित विषय का प्रारंभ मतलब शुरुआत जो होता है गिनती से हुआ, तथा संख्या पद्धति इसका विशेष क्षेत्र है जिसकी मदद से गणित की अन्य शाखाओं का विकास किया गया। इसका संख्या पद्धति क्या है दोस्तों? इसका संख्या पद्धति एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से अन्य 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 शाखाओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो गणना के, गणित के बारे में आपने क्या देखा, कि गणना में, गणित में गणना की प्रधानता होती है, ठीक है, और इसमें अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं, और इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कोई परिणाम प्राप्त होता है, कोई रिजल्ट प्राप्त होता है, हमें किसी डायरेक्शन में जाना होता है, किसी स्थान का बोध होता है, ठीक है। और गणित विषय का आरंभ कहाँ से माना जाता है? गणना से आता है, गिनती से माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा गणित के बारे में। कुछ आइए और पॉइंट देखते हैं गणित के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसकी परिभाषा है, इसको विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया। बहुत बहुत ऐसे अच्छे आपको परिभाषा मिलेंगे। चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ एक परिभाषा से, कैसे, ये देखिए गैलीलियो ने क्या कहा था। गैलीलियो को हम यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के फादर्स मानते हैं। अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे ना कि मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, पिता कौन है, तो गैलीलियो को माना जाता है। तो अब जो कि फिजिक्स से जुड़ा है, मैथ से जुड़ा होगा, तो उन्होंने कहा था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी गैलीलियो ने। उसके अंदर लॉक ने कहा था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन अथवा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तर्क मतलब लॉजिकल, लॉजिक करने की, लॉजिकल बात करने की, सोचने की, साइंटिफिक सोचने की क्या होती है, आदत स्थापित होती है। गणित वह भाषा है, ठीक है। अब आइए, बटांड रसेल ने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तथा न यही जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। इन्होंने क्या किया गणित के बारे में? नेगेटिव बातें कर दी गणित को, इन्होंने हानि कर दी, ठीक है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण परिचय, मार्शल एच स्टोन क्या कहा था। अब इनका डेफिनेशन जो है ना, वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा क्या था इसको ज़रा देखिए। इन्होंने कहा था कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ अमूर्त क्यों कहा गणित को, अब ज़रा इसको समझिएगा। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि दो आम, ठीक है, दो आम, तो अगर मैं यहाँ से आम शब्द हटा दूँ तो क्या दो का क्या अस्तित्व है? दो आप क्या दिखाई देता है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो आम है,
आपको ये दिखाई देगा कि आम है उनके पास, संख्याएं दो है। तो आम वास्तव में मूर्त होती है, आम जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, लेकिन जो भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 ये क्या है, वो हमें प्रदर्शित तो करती है कि वास्तव में इनका कोई स्वरूप नहीं होता। तो इन संख्याओं को अमूर्त माना गया। अमूर्त मतलब हाँ ये प्रदर्शित करती है लेकिन इसका कोई मतलब वो रूप नहीं है, ये कोई मूर्त नहीं है, ये एक अमूर्त वस्तु है, इसको माना गया। बातें समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छा। तो हमने यहाँ पे परिभाषा देख लिया कि मार्शल ने क्या कहा था, कि मार्शल ने कहा था कि गणित एक ऐसा अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इस तत्व को मूर्त रूप में कोई परिभाषित पर मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मूर्त रूप में इसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। चलिए और परिभाषाएं आपने देख ली। गैलीलियो ने कैसे कह दिया कि गणित वो भाषा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर ने क्या किया, लिख दिया। अब आइए उपयुक्त जो भी आपने परिभाषाएं देखी उसके आधार पर आप गणित के बारे में कुछ बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? पहला कि गणित स्थान एवं संख्याओं का विज्ञान है, चलिए बात को मान लेते हैं। दूसरा आप कहते हैं गणित गणनाओं का विज्ञान है, हमने कहा चलो ये बात भी मान लेते हैं। गणित माप तौल मापन मात्रा तथा विदिशा का विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। गणित विज्ञान का क्रमबद्ध संगठित एवं यथार्थ शाखा है, क्रमबद्ध होता है, सिस्टमेटिक होता है। मैथ मैथ जैसे अगर आप पढ़ेंगे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर ऐड पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, डिवाइड्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। आप किसी बच्चे को डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई पढ़ा दिया, डायरेक्ट आपने डिवाइड पढ़ा दिया, डायरेक्ट आपने समुच्चय सिद्धांत पढ़ा दिया तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करें, एक क्रमबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा। संगठित और यथार्थ शाखा है, ठीक है। चलिए आप ये सारी चीज़ें कह सकते हैं गणित के बारे में। कुछ और पॉइंट्स हम गणित के बारे में कह सकते हैं क्या है, इसमें मात्रात्मक तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, लॉजिकल थॉट्स का ये साइंस है भाई। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आगमनात्मक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें आप आसान से डिफिकल्ट की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें जरूरी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। गणित वह विज्ञान जिसे जरूरी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब यहाँ तक आपने गणित के बारे में लिख दिया। इसी तरीके से आपको शब्दों को बना बना के एग्जाम्स में लिखना है और इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, गणित की प्रकृति क्या है। अब आपने जो सीखा वास्तव में वही गणित की प्रकृति होती है। जैसे आपने क्या सीखा, इसमें संख्याएँ होती हैं, दिशा होता है, मापन होता है। आपने इसके अलावा सीखा कि ये यथार्थ होता है या अमूर्त रूप से होता है, इससे लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, ये तार्किक होता है। तो यही सारी चीज़ें देखिए, वास्तव में यही इसकी प्रकृति बन जाएगी। पहली प्रकृति अगर हम नेचर की बात करें गणित की, तो गणित में संख्या या स्थान दिशा एवं मापन तथा माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए गणित अपनी भाषा है, भाषा का अभिप्राय गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत एवं संकेत से है जो विशेष तरह के होते हैं, गणित की भाषा को जन्म देते हैं। गणित के ज्ञान के आधार पर हमारी गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। हमारी क्या है, ज्ञानेन्द्रियाँ बच्चों, हमारे दिमाग है, ठीक है, गणित का ज्ञान का आधार। अब आगे कह रहा है कि इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। गणित पे आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे मैथ कहता है कि किसी कोई कोई गाड़ी है अगर चल रही है स्पीड, यू नो स्पीड एवरेज की बात करते हैं, एवरेज जैसे निकालते हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे, उस पर यकीन करेंगे। अगर स्पीड निकालते हैं तो यकीन करेंगे उस पर। कोई अगर मान लीजिए गणित कहता है कि कोई अगर 60 की स्पीड से आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो उसको 120 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। तो भाई सही बात है, गणित पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर यथार्थ कर सकते हैं, इस पर यकीन कर सकते हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ क्रमबद्ध तार्किक एवं आर्थिक अधिक स्पष्ट होता है, एग्जैक्टली, जिसमें उसके एक बार ग्रहण करने से आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात। एक बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो मैथ भूलता नहीं है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जा सकती है, बिल्कुल सही बात। गणित के नियम सिद्धांत सूत्र सभी स्थान पर एक समान होते हैं, एग्जैक्टली। अब जैसे मान लीजिए गणित का सूत्र अगर इंडिया में कुछ और है तो बाहर भी यही होगा। अगर हम कहते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो भाई आप कहीं भी चले जाएं तो स्पीड क्या होगा, चाल बराबर दूरी बराबर समय, स्पीड बाई टाइम, ये चीज़ें क्या होती हैं, हर एक जगह समान होती हैं, ये क्या होती हैं, विश्वसनीय होती हैं। चलिए इनकी सत्यता की जांच किसी भी समय एवं स्थान पर किया जा सकता है। इनमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को परस्पर संबंध एवं संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये है गणित की प्रकृति के बारे में। कुछ और पॉइंट है, इसको देख लीजिए और फिर आपको अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। देखिए यही सारे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इससे ऐसे ही आपको लिखना है, बड़ा मस्त आपको वहाँ पर तैयार हो जाएगा, बड़ा अच्छा आपका नंबर मिल जाएगा।
इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान एवं सूचना स्पष्ट होती है और उसका संभावित उत्तर निश्चित होता है। एग्जैक्टली इसका उत्तर क्या होता है मैथ में, वास्तव में देखेंगे ना निश्चित होता है मैथ में। अगर मान लीजिए अगर किसी को हम कहते हैं 2+2, तो भाई 2+2 निश्चित है कि 4 ही होगा, 4 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। इसके नियम सिद्धांत सूत्र आदि संदेह की संभावना नहीं रहती। एग्जैक्टली संदेह की संभावना नहीं रहती। गणित के अध्ययन में आगमन निगमन एवं सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन में बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। एग्जैक्टली गणित के अध्ययन से क्या होता है, बालकों में आत्मविश्वास आता है और आत्मनिर्भरता आता है। ठीक है, गणित की भाषा सुपरिभाषित उपयुक्त एवं स्पष्ट होती है। एग्जैक्टली ये डिफाइन होती है, परिभाषित होती है। गणित में गणित के ज्ञान में बालकों का प्रश्नात्मक दृष्टिकोण एवं भावना का विकास होता है। ये दोस्तों गणित के प्रकृति के बारे में बात हो गई, और ये जो 3 पॉइंट है यही लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इसके प्रकृति में आप कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें बालक के स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे पद्धतियों एवं सूचनाओं संख्या के आधार मानकर संख्याओं का निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विभिन्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गणित के ज्ञान का उपयोग विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन, जीव, अन्य विषयों के लिए भी किया जाता है। बिना मैथ के तो फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, बायो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अपना मददगार ही नहीं वरन उनकी प्रगति एवं संगठन के लिए आधारशील है। गणित एक आधारशील बनता है और सभी विषयों के लिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो भी टॉपिक्स है, इस टॉपिक में क्या था अभी तक, क्या था, कुछ नहीं था अभी तक। आपने बस इतना समझा कि गणित क्या होता है। गणित क्या है भाई, गणित के बारे में कई कई सारे अर्थ कहे हैं। जैसे गणित, किसी ने कहा कि गणित गणित गणना का क्षेत्र है, गणित माप तोल का क्षेत्र है, गणित संख्याओं का विज्ञान है। ये सारी चीज़ें आपने देखी, इनकी परिभाषाओं के बारे में विद्वानों ने इसको कैसे परिभाषित किया, ठीक उसी को आपने उसकी प्रकृति के रूप में बता दिया। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला आपको ये जानना है कि गणित के बारे में लोगों ने क्या कहा। ठीक है, उसके लिए आप इस चार्ट को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया कि गणित क्या है भाई, स्थान संख्याओं का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है, माप तोल मात्रा परिणाम का विज्ञान है, क्रमबद्धता संख्या की शाखा है। तो ये सारी चीज़ों के गणित के बारे में, इसकी प्रकृति में भी आपने जो पॉइंट्स देखे उसको बस एक बार और इसको देख लीजिए और अपने शब्दों में लिख के बस ऐसे ही आपको एग्जाम्स में लिख कर। दोस्तों ये सवाल पूछे जाते हैं, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं केवल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों, तो ये सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों गणित का अर्थ और इसकी प्रकृति दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जो सवाल पूछा जाता है वो रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, लाइक गणित का दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध क्या है, इसके भी सवाल पूछे जाते हैं, सहसंबंध दोस्तों गणित के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, गणित का सहसंबंध, और हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, अगर लगता है कि ये आपके लिए सहायक हो, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा, और नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में आपके इस नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक का नाम रहेगा कि गणित का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। एक सहसंबंध तो आपसे कन्फर्म पूछा जाएगा, हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करिए, और अगर अपने दोस्तों को जोड़िए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा। जय हिंद भारत, जय हिंद दोस्तों।